ये बात समझ में आया कि आपका एम अगर मेडिकल एंट्रेंस है तो बोर्ड पे ईगो नहीं मिलेगा, मतलब अगर स्कूल में थोड़े कम भी नंबर आ रहे हैं जो कि आते हैं 11th में काफी टीचर परेशान करते हैं थोड़े थोड़े कम नंबर देके, उनका कॉन्सेप्ट रहता है कि मतलब उन्हीं लोगों को 12th में पहुंचाओ जो डिजर्विंग है। अगर आप मेडिकल एंट्रेंस के लिए फेसबुक ही पढ़ रहे हैं तो बोर्ड अच्छा जाएगा, 12th में कोई टेंशन नहीं, 12th में ज़्यादा नंबर आएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हार की जाए, अगर आप मेडिकल एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ ध्यान दें और बोर्ड एक बार के लिए ईगो पे ना दें। दूसरी बात, शुरुआत में ऐसा लगेगा कि मतलब क्योंकि अभी मैंने सुना है कि शायद सिलेबस भी हमारा एनसीईआरटी से थोड़ा हटके सीरीज चेंज कर दिया गया और वो बढ़िया है, खासकर बायो में जो एनसीईआरटी का ऑर्डर है, क्योंकि मेरे हिसाब से सेल पहले आना चाहिए, बायो में कुछ पहले आना चाहिए क्योंकि अब कर दिया इसलिए, तो वो भी एज अ बायो परस्पेक्टिव की क्या पढ़ना चाहिए वो ज़्यादा सही है, पर ये एनसीईआरटी का कंसाइड नहीं करता तो स्कूल के साथ कंसाइड ना करें। और जितना ये टाइम टेबल की बात है मैंने ज़्यादा टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, वैसे भी ये बात जो है कि हर बंदा आपको अगर बताएगा और ये फॉलो करने लायक चीज़ ही सीखने नहीं है, किसी का भी ये फॉलो ना करें टाइम टेबल खास है। मेरा तो जो मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मेरा रेगुलर रहा था कि मैंने कोई टाइम टेबल कभी नहीं बनाया, ना कभी मैंने ऐसा किया कि हर रोज़ ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हफ्ते तीनों सब्जेक्ट पढ़ने, कभी कभी जैसे एक सब्जेक्ट में डाइव किए तो पूरा वही सब्जेक्ट पढ़ते रह गए, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है, ना ही मैं इस पर डिमेंड कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगस्त के आसपास मतलब अगस्त 2018 के आसपास जब मेरा ऑर्गेनिक चला था तो मैं एक महीने के आसपास केवल ऑर्गेनिक ही करता रह गया, मतलब मैं भूल गया कि फिजिक्स और बायो भी सब्जेक्ट हैं। तो ये ना करें, मैं बस ये बता रहा हूँ कि टाइम टेबल किसी का फॉलो नहीं हो, अपना जो सही बैठता है